वेलकम बैक सब लोग का नए ब्लॉग में। तो आज दिन भर तो कुछ किया नहीं मैंने, घर में ही तो बैठा हुआ था। तो ये होगा तो अभी सुबह से व्लॉग का पता नहीं, अभी मेरा मुंह से कुछ निकल नहीं रहा क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कि क्या बोलना है, क्योंकि बोल नहीं पा रहा क्या निकालना है। तो अभी शाम हो चुका है, एटलीस्ट 4 समथिंग हो रहा होगा, अभी 4 4:30 शाम के। तो सूरज भी ढल चुका है और मौसम आज सब सुबह से क्लाउडी क्लाउडी है, देख सकते हैं। और सूरज मेरे पीछे इधर ढल चुका है, जो ढक चुका है पूरा सूरज, देख सकते हो इसे ढल चुका है। तो मैं हूँ अभी अपने घर के छत के ऊपर और अभी शायद कहीं पे निकल के जाएंगे थोड़ी देर बाद, पता नहीं कहाँ, शायद कुछ खाने के लिए निकल के जाओ क्योंकि भूख बहुत लगा है और फूड ब्लॉग तो होगा नहीं है। वेल, मैं अभी वो चांदमारी फ्लाईओवर के ब्रिज का ऊपर मैं कुछ ट्राई करने के लिए आया था, जैसे कि कुछ प्लान तो था नहीं कि क्या करना है क्या नहीं करना है अभी तक, तो कुछ प्लान ट्राई किया था, अच्छा से गया तो नहीं, फिर भी आप लोग एक बार ये देख लीजिए। तो जो अभी आपने टाइम लैप्स देखा मैं वही ट्राई करने आया था एक बार चांदमारी फ्लाईओवर के ब्रिज से, क्योंकि मैंने कभी सोचा नहीं, सोच रहा बहुत पहले से सोच रहा था कि ये करना है बोल के, तो आज एक बार ट्राई करने आया है। परफेक्टली नहीं है बट स्टिल ट्राई करने आया था, देखते हैं नेक्स्ट टाइम। अभी रात भी ज़्यादा हो गया, नेक्स्ट टाइम जब आएंगे तब देखते क्या होता है। थोड़ा तो अच्छा इक्विपमेंट नहीं तो कुछ क्या होता है, कुछ स्टैंड करने के लिए लेके आएंगे इसको। अभी तो हाथ से हैंड हेल्ड ही किया था तो शेकी थोड़ा ज़्यादा हुआ है, देखते क्या होता है। तो बस मैं यही करने आया था आज क्योंकि आज कहीं जाने का प्लान भी नहीं है। तो क्या हो गया भाई, क्या हो गया वहाँ पे था मैं भी उस ऊपर। तो पॉइंट ये है अगर आप लोग को डेली अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं कहीं ऐसे छोटा मोटा घूमने जाऊं या फिर घूमने का अगर ब्लॉग बनाऊं, तो उसके लिए आपको सैटरडे संडे वेट करना पड़ेगा, क्योंकि सैटरडे संडे मैं निकल के जाता हूँ ज़्यादातर टाइम। वैसे तो मैं कभी वैसे निकल के नहीं जाता, डेली आपको ब्लॉग मिलेगा डेली 30 डेज तक के लिए नॉर्मल ब्लॉग, उसी बीच में अगर मैं कहीं ट्रैवल छोटा मोटा निकल के गया तो उसका भी ब्लॉग बनाएंगे। इधर क्या हो रहा है, शादी दूरा आ रहा है क्या, बाप रे बाप इतना भीड़ गले में खराश ये। अगर ट्रैवलिंग ब्लॉग देखना है तो फिर सैटरडे संडे का ही देखना पड़ेगा, क्योंकि उसी दिन उन 2 दिनों में ही मैं कहीं ट्रैवल करने निकलता हूँ जब मेरे को टाइम मिलता है ऑफिस की तरफ से या छुट्टी या फिर कुछ रहता है, नहीं तो डेली आप लोगों को सिटी ब्लॉग ही देखने मिलेगा मेरे को बाइक चलाते सिटी में। तो आई होप आप लोगों को पसंद आए सब ब्लॉग, अगर आप लोग देख रहे हैं तो पंजाब के बन गए राम भूल जाओ। तो वी आर राइट नाउ इन अनुराधा, अरे बाबा रे क्या हो गया, अनुराधा तीन वाली इधर राइट साइड जाओगे तो आपको वो है हाथी, रुक जाओ थोड़ा सोच के पता कहाँ निकलना सकते हैं। और ये है आपको अनुराधा सिनेमा हॉल, अगर कम दाम में आपको अच्छे मूवी देखनी है तो इधर आइए, कम पैसों में हो जाएगा आप लोग का। इसको क्या हो गया, इस ड्राइवर को मादर चोद भड़वा का बच्चा, तो वो जो राइट साइड टर्निंग था वो आपका निकलेगा गीता मंदिर साइड, मतलब जूर टीन वाली साइड निकलेगा, लेकिन उसके लिए आपको काफ़ी मशक्कत करना पड़ेगा, बहुत छोटा सा गली है और ट्रैफिक बहुत लगता है उधर। जो था बमनी उधर में एक बेकरी का दुकान है, बेकरी का दुकान नहीं तो कुछ फैक्ट्री है क्या, जहाँ पे बेकरी बेकरी का सामान सब बनता है। जब भी इधर से गुजरता मस्त स्मेल करता है, मतलब स्मेल तो अच्छा है, मतलब
चचा चचा ढोल बजा के आ रहे क्या ना, ढोल खरीद के लेके आया बिहू गाने के लिए। चचा नाम नाम बिहू गाने के लिए चाचा भाई ढोल लेके आया बिहू। वेल अभी मैं बोलने भूल गया, हैप्पी ईद टू ऑल, ईद मुबारक। ये आज और कल ईद है तो इसके लिए ईद मुबारक सबको। ओके कई कोई दोस्त नहीं है भाई, बुलाया नहीं ईद खाने के लिए भाई दोस्त है नहीं तो बुलाएंगे कहाँ से। अबे इधर का रास्ता इतना कब से ख़राब हो गया भाई, कुछ दिनों पहले तो बना था फिर ख़राब हो गया। स्ट्रीट लाइट का तो छोड़ ही दो। वेल चलो मैं आप लोगों को थोड़ा आगे मिलता हूँ, पहले खड्डे उड्डे रास्ते से निकलते हैं। ये क्या हो गया, अब क्या हो गया इधर, अब क्या हो गया, किस बात का जाम लग गया। अरे इधर मैं हमेशा किस बात का जाम लगा रहता पता नहीं, और ये रिफाइनरी के लिए जाम लगा रहता है, ये जो तेल भरने के लिए जाम लगा रहता है। मैं कि यहाँ कितना तेल, वैसे इधर में तेल भी बहुत अच्छा मिलता है, डायरेक्ट रिफाइनरी से आता है ना इसमें तेल, तभी इतना लाइन लगा रहता है। माखिया पब्लिक का गन मार देता है, लोग पब्लिक अरे पब्लिक और ट्रैफिक दोनों का गन मार देता है। बड़ा सा खोल देना चाहिए इतना बड़ा कि सब आना जाना हो जाए। अगर आप थोड़ा ये रास्ते को एंजॉय कीजिए रिफाइनरी का। मैं बताना भूल गया कि मैं अभी अपने घर की ओर जा रहा हूँ। वाह वेल तो हम लोग अभी घर, मैं अभी घर पहुंच चुका हूँ। तो हम बात करते हैं टाइम लैप्स के ऊपर, जो मैंने ब्रिज के ऊपर आज टाइम लैप्स लिया है वो अभी कोशिश में हूँ, कोशिश कर रहे हैं उसके बारे में क्योंकि परफेक्ट तो हुआ नहीं अभी तक, थोड़ा परफेक्शन आने से और अच्छा लगेगा, अभी तो फिलहाल कुछ परफेक्शन आया नहीं है, कोशिश करते रहेंगे। आज थोड़ा देरी हो गया था बोल के कर नहीं पाए, फुटेज थोड़ा सीखी है, देखते उसको कुछ कर सकते हैं तो कर लेंगे एडजस्ट, लेकिन उसको अगर सीखना होगा तो सीख लेंगे। क्या होगा क्या देख रहा हूँ, ऐसा लग रहा है मैं कुछ पढ़ के बोल रट्टा मार के बोल रहा हूँ तो वही है, उसको ट्राई करते रहेंगे। अभी आज पहले फर्स्ट टाइम ट्राई किया है टाइम लैप्स का वो बनाने का, फर्स्ट टाइम नाइट में, वैसे तो फोटो खींचते रहते लेकिन वीडियो में फर्स्ट टाइम लैप्स में ट्राई किया है नाइट में, तो होप नेक्स्ट टाइम जब करेंगे तो और अच्छा होंगे और अच्छा इम्प्रूव करेंगे। और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, आई होप आप लोगों को ये अच्छा लगा व्लॉग, तो बाय बाय।